हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो आज हम यूनिट टू देखेंगे डायनेमिक ऑफ मशीन का। तो इस यूनिट टू का नाम है हमारा गवर्नर। पार्ट वन में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ गवर्नर, गवर्नर क्या होता है और कितने टाइप का गवर्नर होता है और एक्चुअली यूज़ कहाँ है हमारे व्हीकल्स में गवर्नर का। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये इमेज दिख रहा होगा, ये हमारा एक गवर्नर है, दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमारा गवर्नर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कुछ थ्योरेटिकल पार्ट हैं, इसे हम समझ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा गवर्नर को एक्चुअली गिफ फॉर्म में। ठीक है, एनिमेटेड फॉर्म में, तो आपको क्लियर हो जाएगा गवर्नर कैसा दिखता है और काम कैसे करता है। ठीक है, फिलहाल हम पढ़ते हैं कि गवर्नर है क्या। ठीक है, अ गवर्नर और स्पीड लिमिटर। ठीक है, वो एक स्पीड लिमिटर है, सेम टू सेम फ्लाई व्हील की तरह। फ्लाई व्हील का भी काम क्या है, स्पीड को कंट्रोल करना, और गवर्नर का भी काम है स्पीड को कंट्रोल करना, बट दोनों का कंडीशंस अलग अलग हैं। ठीक है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये देखते हैं। तो अ गवर्नर और स्पीड लिमिटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर एंड रेगुलेट द स्पीड ऑफ अ मशीन सच एज एन इंजन। ओके, नाउ द फंक्शन ऑफ गवर्नर इज टू रेगुलेट द मीन स्पीड ऑफ एन इंजन। इंजन का मीन स्पीड को क्या करता है, रेगुलेट करता है, मीन्स कम या ज़्यादा करता है। वेन देयर आर वेरिएशन इन द लोड, लेकिन किस कंडीशन में, जब लोड का वेरिएशन हो, मीन्स लोड कभी लो इंजन पे जो लोड पड़ता है, ज़्यादा लोड कम लोड, उसके थ्रू जो स्पीड में वेरिएशन होना, दैट इज माई गवर्नर। ठीक है, वेयर देयर आर वेरिएशन इन द लोड, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते हैं, वेन द लोड ऑफ एन इंजन इंक्रीजेस। ठीक है, इंजन पे अगर लोड बढ़ रहा है, अब आप कहोगे इंजन पे लोड कैसे बढ़ रहा है, इंजन पे लोड बढ़ रहा है जैसे कि आपको काफ़ी अपने गाड़ी पे काफ़ी सामान आपने लोड कर लिया, फिर आप उसे ड्राइव कर रहे हो, तो सामान बढ़ा तो इंजन पे लोड बढ़ा, या फिर आपकी गाड़ी का एवरेज कम है और आप कुछ ज़्यादा ही खड़ी चढ़ान चढ़ा रहे हो, लोड बढ़ा इंजन पे, ऐसे इंजन में लोड बढ़ता है। देयरफॉर व्हेन द लोड ऑफ एन इंजन इंक्रीजेस इट स्पीड डिक्रीजेस। लोड बढ़ा गाड़ी का तो उसकी स्पीड भी डिक्रीज होगी, देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्यूल। अगर आपकी स्पीड स्लो हो रही है तो उसको क्या चाहिए स्पीड को मेंटेन करने के लिए, फ्यूल ज़्यादा चाहिए, और कम फ्यूल मिलते रहा गाड़ी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, हमें फ्यूल ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये गवर्नर हमें हेल्प करता है, लोड के हिसाब से फ्यूल सप्लाई करता है हमारे इंजन में। अगर स्पीड लोड ज़्यादा हो गया हमारे इंजन पे, तो उसको स्पीड मेंटेन रखने के लिए ज़्यादा फ्यूल सप्लाई करेगा। अगर लोड जैसे आगे देखते हैं, ऑन अदर हैंड व्हेन द लोड ऑन द इंजन डिक्रीजेस, फॉर एग्जांपल आपका इंजन पे लोड कम पड़ रहा है, इट स्पीड इंक्रीजेस, लोड अगर कम हुआ तो स्पीड इंक्रीज हुआ, एंड दस लेस वर्किंग फ्लूइड इज रिक्वायर्ड। तो वहाँ पे क्या चाहिए, हमको कम फ्यूल चाहिए। अगर लोड कम है तो स्पीड ऑलरेडी इंक्रीज होगा, तो स्पीड जब ऑलरेडी इंक्रीज है तो हम उसमें क्यों एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्यूल डालें, क्यों फ्यूल की बर्बादी करें, तो वहाँ पे हमें कम अमाउंट ऑफ फ्यूल का रिक्वायर्ड है। तो उसके हिसाब से हम वाल्व को ओपन और क्लोज करेंगे, जितना ज़्यादा वाल्व ओपन करेंगे उतना फ्यूल अंदर आएगा, जितना कम ओपन करेंगे उतना कम फ्यूल अंदर आएगा। तो एक्चुअली गवर्नर वाल्व को कंट्रोल करता है। ठीक है, बट कुछ प्रॉब्लम है अलग, इसलिए हम यहाँ पे अलग अलग गवर्नर पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में सबसे पहले गवर्नर डेवलप हुआ, उसके बाद उसमें कुछ खामियाँ आया तो आगे बढ़े, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते हम एक फाइनली गवर्नर बनाया। अब तो फाइनली अगर आप अभी देखोगे तो गवर्नर का यूज़ लगभग बंद ही हो गया है। ठीक है, अभी EME यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं उसे हम, डेट इज़ ECU यूज़ करते हैं, डेट इज़ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूनिट। ठीक है, उससे क्या होता है, एक IC इंजन, IC टाइप का एक चिप होता है, उससे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे, द गवर्नर ऑटोमेटिकली कंट्रोल द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड टू द इंजन विद द वेयरिंग लोड। ठीक है, क्या यहाँ पे ये डेफिनेशन, ये जो लाइन लिखा हुआ, ये लाइन ही हमें क्लियर कर दे रहा है कि गवर्नर का काम क्या है। देखो, अ गवर्नर ऑटोमेटिकली कंट्रोल द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड टू द इंजन। वाल्व को लोड के हिसाब से ओपन या क्लोज करने का काम गवर्नर है, करता है। ठीक है, विद द वेयरिंग लोड, नाउ कंडीशन एंड कीप्स द मीन स्पीड विद इन द कंटेन लिमिट। और जो मीन स्पीड होती है उसको मेंटेन करता है। मेन गवर्नर काम क्या रहता है, जो मीन स्पीड होती है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, अब आपका लोड ज़्यादा हो चाहे लोड कम हो, फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करना। ठीक है, नाउ फ्लाईव्हील और गवर्नर में एक दोनों में अंतर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है फ्लाईव्हील और गवर्नर में दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, देखते हैं। फ्लाईव्हील, इट कंट्रोल स्पीड वेरिएशन
ठीक है, ये भी स्पीड को कंट्रोल करता है, कॉज बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ द इंजन टर्निंग मोमेंट। ठीक है, कॉज बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ इंजन टर्निंग मोमेंट, इंजन के टर्निंग मोमेंट के थ्रू ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन। बट इन केस ऑफ गवर्नर इट कंट्रोल स्पीड वेरिएशन कॉज बाय द वेरिंग लोड, लोड चेंज होने पे स्पीड में वेरिएशन होता है। बट इन केस ऑफ फ्लाईव्हील फ्लक्चुएशन ऑफ इंजन टर्निंग मोमेंट में जो फ्लक्चुएशन होता है उसके कारण स्पीड वेरिएशन। ठीक है, तो ये हमारा मेन अंतर था। अब टाइप्स ऑफ गवर्नर देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको ये गवर्नर है हमारे पास, ठीक है, ये गवर्नर है हमारे पास, ये उसका लीवर, लीवर कनेक्ट है लिंक के थ्रू एक, ये हमारा वाल्व है। ठीक है, ये देखिए ये वाल्व ओपन और क्लोज होगा। ठीक है, तो अगर हम इसे ये देखिए, ये गवर्नर हमारा रोटेट हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल स्पीड पे रोटेट हो रहा है, तब हमारा वाल्व ऐसे कॉन्स्टेंट है, ये लीवर कोई मूव नहीं। अब जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा ये दोनों बॉल इस एक्सिस से बाहर की ओर जाएगा ड्यू टू सेंट्रिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जैसे जैसे बाहर होगा ये स्लीव नीचे हुआ, स्लीव नीचे हुआ तो ये देखिए वाल्व ओपन, और फिर स्लीव फास्ट हुआ वाल्व क्लोज। फिर से देखते हैं, देखते रहिएगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा, देखिए स्पीड बढ़ना स्टार्ट हुआ, ये नीचे आना चालू हुआ स्लीव, ये ऊपर गया वाल्व क्लोज। ठीक है, स्पीड स्लो होने लगा, ये ऊपर जाने लगा, बॉल एक्सिस से पास आने लगा, वाल्व ओपन। ठीक है, तो ऐसे ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ गवर्नर, कितने टाइप के गवर्नर होते हैं। फिलहाल मेन जो है दो टाइप के गवर्नर होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर और इनर्शियल गवर्नर। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के कितने टाइप्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इनर्शियल गवर्नर के बारे में डिस्कस करेंगे, और वन बाय वन जो जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट गवर्नर्स हैं उसके उसको समझेंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे और हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में आता है हमारा पेंडुलम टाइप और लोडेड टाइप। ठीक है, पेंडुलम टाइप और लोडेड टाइप। पेंडुलम टाइप में आपका आता है वाट गवर्नर, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ वाट गवर्नर कैसा दिखता है। तो ये है हमारा वाट गवर्नर, ये देखिए सिंपल पेंडुलम टाइप गवर्नर, दो पेंडुलम ऐसे देखिए लटका हुआ है, और ये हमारा लिंक से ये स्लीव कनेक्ट है, इसे बोलते हैं स्लीव। जो ये शाफ्ट जो एक्सिस शाफ्ट है ये मेन शाफ्ट, और इस पर एक स्लीव लगा हुआ है जो कि अप और डाउन होता है, कब जब हमारा ये रोटेट होता है। अब ये देखिए रोटेट हो रहा है, ये हमारा बॉल हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ये दिस इज लिंक स्लीव, ओके दैट इज माय स्पिंडल, ये हमारा आर्म हो गया, ये दोनों, ये आर्म, ये आर्म, ये हमारा स्पिंडल हो गया, ये स्लीव हो गया। ठीक है, और ये हमारे लिंक्स हो गए, ये बॉल हो गया हमारा, ठीक है, फ्लाई बॉल जिसे हम बोलते हैं। अब जब ये हमारा रोटेट होगा, ये अब जब ये स्पीड बढ़ेगा तो स्पिंडल से ये बॉल का रेडियस भी बाहर की ओर जाएगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब बाहर की ओर जाएगा तो ये लिंक ऊपर की ओर जाएगा और ये हमारा स्लीव ऊपर जाएगा, और ऐसे हमारा इधर का जो लगा होगा फाइनली जो जिसे कनेक्ट होगा हमारा गेट से कनेक्ट हो चाहे वो किसी वाल्व से कनेक्ट हो, वो ओपन क्लोज होता रहता है। तो ये ऐसे हमारा नॉर्मली वाट गवर्नर सिंपल ऐसा दिखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट था हमारा लोडेड टाइप गवर्नर। लोडेड टाइप गवर्नर में आता है डेड वेट गवर्नर और स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर। अब डेड वेट गवर्नर और कुछ ज़्यादा खास नहीं है, डेड मतलब वेट, आप एक्स्ट्रा वेट ऐड कर रहे हो कि आपका जो फ्लाई व्हील है डायरेक्टली तुरंत स्पीडली ऊपर अप डाउन ना हो। ठीक है, स्लीव स्पीडली अप डाउन ना हो, एक कंट्रोल वे में अप डाउन हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्लीव पे एक वेट डाल देंगे। तो पॉटर और प्रोयल गवर्नर में हम यही करते हैं। ठीक है, इसके इसे भी देख लेते हैं कैसा दिखता है। तो ये हमारा पॉटर गवर्नर, हमने क्या किया, स्लीव पे हमने एक सेंट्रल लोड, एक वेट डाल दिया, जिसके कारण क्या है, ये कंट्रोल वे में हमारा फ्लाई व्हील रोटेट, फ्लाई बॉल रोटेट करेगा। ठीक, कंट्रोल वे में फ्लाई बॉल हमारा रोटेट होगा, इसलिए हम गवर्नर में क्या किए, स्लीव में हमने थोड़ा ऊपर से वेट बढ़ा दिया। ये हमारा पॉटर गवर्नर। ठीक है, पॉरल गवर्नर कैसा दिखेगा उसे भी देख लेते हैं हम। तो ये हमारा है पॉरल गवर्नर। पॉरल गवर्नर में सेम ऐसे ही हमने स्लीव पे वेट बढ़ाया, बट यहाँ पे हम जो बॉल था, बॉल तो हमारा आर्म से कनेक्ट है, बॉल हमारा आर्म से कनेक्ट है, बट एक एक्सटर्नल लिंक हमने यूज़ किया है, और जो हमारा बॉल है वो कैसा है, परपेंडिकुलर टू द स्पिंडल, स्पिंडल से देखेंगे पैरेलल वे में है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर। हमने डेड वेट देख लिया, पॉटर भी देख लिया, पॉरल गवर्नर भी देख लिया। स्पीड कंट्रोल गवर्नर में हमारा आता है हार्टनेल गवर्नर, हार्टन गवर्नर,
विल्सन हार्टनेल गवर्नर और पिकरिंग गवर्नर, ठीक है, लगभग सब सेम है, थोड़ा बहुत हल्का हल्का चेंजेस हैं, किसी का स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन ज़्यादा, टेंशन ज़्यादा, तो हमने नाम चेंज करते गए, ऐसा एक्सपेरिमेंट करते गए, जितना अच्छा रिजल्ट मिलते गया हमने वो गवर्नर बनाते गए, और जो जो एक्सपेरिमेंट किया उसके नाम के साथ उस गवर्नर का पेटेंट हो गया, ठीक है। तो हार्टनेल गवर्नर कैसा दिखता है इसे भी हम देख लेते हैं। ये हमारा हार्टनेल गवर्नर, देखिए हार्टनेल गवर्नर क्या है, सेम ऐसे ही लगा हुआ, यहाँ पे स्प्रिंग लोडेड है, ठीक है, स्प्रिंग लोडेड है इस, और कुछ ऐसा दिखता है हार्टनेल गवर्नर। जब आगे डिस्कस करेंगे तो हम एक एक गवर्नर को डिराइव करते हुए समझेंगे, ठीक है। फिलहाल हमने गवर्नर देखा कौन सा गवर्नर कैसे दिखता है और उसके टाइप्स देखे, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ गवर्नर कैसा है, गवर्नर काम कैसे करता है, उसका यूज़ कहाँ है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम एक एक गवर्नर को नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, एक एक गवर्नर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, और ऐसे हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट, and don't forget to subscribe it.